चिखा एंड दिस इज द एट वीडियो ऑफ यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सीएसआईआर नेटजीआरएफ एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट एट ऑफ सीएसआईआर नेटजीआरएफ विच इज इनहेरिटेंस बायोलॉजी और जेनेटिक्स. इस यूनिट का वेट इज अराउंड 8 to 9 क्वेश्चंस इन पार्ट बी और 10 to 12 क्वेश्चंस इन पार्ट सी. सो ये यूनिट अराउंड 40 to 50 मार्क्स का वेट इज लेती है सीएसआईआर नेटजीआरएफ. काफी स्कोरिंग यूनिट है. इट मीन्स इफ आप जेनेटिक्स बायोलॉजी अच्छे से एक बार पढ़ के जाए 35 out of 40 बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो एंड स्टूडेंट्स 40 out of 40 भी स्कोर करते हैं. सो फर्स्ट थिंग तो मैं रिकमेंड करूंगी आप इनहेरिटेंस बायोलॉजी और जेनेटिक्स को फुल ही कवर करके जाए. आप इसका कोई भी टॉपिक स्किप करके ना जाए बिकॉज क्वेश्चन किसी भी टॉपिक में से आ सकता है जेनेटिक्स में. बट इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे एवरी टाइम क्वेश्चन रिपीट होते हैं एंड इस यूनिट में मोस्टली क्वेश्चंस न्यूमेरिकल फॉर्म में होते हैं एंड वो सेम एवरी टाइम सेम टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं. ओनली डिजिट्स का डिफरेंस होता है. सो हम आज बात करेंगे जेनेटिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के रिगार्डिंग. फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज मेंडल्स लॉ. मेंडल्स लॉ हम सबने 9th, 10th, 11th, 12th मास्टर्स में ग्रेजुएशन में हमने मेंडल्स लॉ अच्छे से पढ़ा है. तो इस यूनिट में मेंडल्स लॉ में से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं एवरी टाइम ही पूछे जाते हैं. नंबर ऑफ गैमेट्स फॉर्म्ड, नंबर ऑफ जीनोटाइप्स, नंबर ऑफ फीनोटाइप्स इन F2 जनरेशन, हाउ मेनी F2 कॉम्बिनेशन इज देयर, F2 जीनोटाइप होमोजाइगस, F2 जीनोटाइप हेटरोजाइगस, इन सब के फॉर्मूला होते हैं एंड हमें जस्ट फॉर्मूला को पुट करना है एंड इजिली हम पार्ट बी के 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज पेनिट्रेंस एंड एक्सप्रेसिविटी. पेनिट्रेंस एंड एक्सप्रेसिविटी से एवरी टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है. तो ये हमारा थियोरेटिकल पार्ट है और इसमें से भी एवरी टाइम पार्ट बी में से 1 क्वेश्चन आता है. एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी में हमारा क्रॉस गिवन होता है, उस क्रॉस से हम रेंडमली पिक करेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो इस क्वेश्चन को हम बाइनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू सॉल्व करते हैं. ये क्वेश्चन भी 4 मार्क्स में एवरी टाइम आता है. फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज एपिस्टेसिस. एपिस्टेसिस से एवरी टाइम 4 मार्क्स का क्वेश्चन एंड 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. एपिस्टेसिस में हमारा टाइप ऑफ एपिस्टेसिस जस्ट लाइक डोमिनेंट एपिस्टेसिस, रिसेसिव एपिस्टेसिस, डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस, डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस, इन सब के F2 रेशियोज को अच्छे से करके जाना. और सिर्फ F2 रेशियोज को ही अच्छे से करके नहीं जाना है. इसका रीजन क्या है कि हमारा एपिस्टेसिस के केस में F2 रेशियो चेंज हुआ मेंडल्स के रेशियो से. फिफ्थ टॉपिक इज जीन डिसेक्शन. जीन डिसेक्शन बहुत ही इजी टॉपिक है, ओनली 1 आवर का टॉपिक है. इफ हम इसको 1 आवर में पढ़ के जाए तो हम 4 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं. जीन डिसेक्शन में हमें उन कॉन्सिक्वेंसेस को देखना है और हाउ द जीन फॉर्म्ड, उन एंजाइम का सिक्वेंस, उस जीन का सिक्वेंस लिखना होता है एंड ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है. सिक्स्थ टॉपिक इज जेनेटिक मैपिंग. जेनेटिक मैपिंग में 4 मार्क्स का क्वेश्चन एवरी टाइम आता है. जेनेटिक मैपिंग में 2 पॉइंट क्रॉस 3 पॉइंट क्रॉस, 2 पॉइंट क्रॉस से ऑलवेज पार्ट बी में क्वेश्चन आता है, 3 पॉइंट क्रॉस से हमेशा एवरी टाइम पार्ट सी में क्वेश्चन आता है. और ये बहुत सिंपल फॉर्मूला, बहुत सिंपल कैलकुलेशन से हम सॉल्व कर सकते हैं. और इसी में हमारा आता है इंटरफेरेंस एंड कोइंसिडेंस. कोइंसिडेंस और इंटरफेरेंस से भी क्वेश्चन एवरी टाइम पूछा जाता है, या तो इसके साथ ही पूछा जाएगा जेनेटिक मैपिंग के साथ. तो 4 मार्क्स में पूछा जाएगा जेनेटिक मैपिंग एंड इंटरफेरेंस कोइंसिडेंस. अदरवाइज इसका सेपरेट क्वेश्चन जो आता है वो हमारा पार्ट बी में पूछा जाता है 2 मार्क्स में. देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज टेट्राड एनालिसिस. टेट्राड एनालिसिस से भी एवरी टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है. टाइप ऑफ टेट्राड एनालिसिस, ऑर्डर्ड टेट्राड एनालिसिस, अनऑर्डर्ड टेट्राड एनालिसिस, ऑर्डर्ड में अनऑर्डर्ड में मैप डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये न्यूमेरिकल एवरी टाइम पूछा जाता है 2 मार्क्स में. देन नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज सेक्स डिटरमिनेशन. सेक्स डिटरमिनेशन ह्यूमन में, सेक्स डिटरमिनेशन ड्रोसोफिला में, कौन कौन से जीन इन्वॉल्व है टू डिटरमाइन सेक्स, इससे क्वेश्चन एवरी टाइम पूछा जाता है. एंड इसमें एक टॉपिक आता है डिफरेंस बिटवीन सेक्स लिंक्ड ट्रेट, सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट, सेक्स लिमिटेड ट्रेट, इससे भी एवरी टाइम क्वेश्चन आता है. देन नेक्स्ट टॉपिक इज पेडिग्री एनालिसिस. पेडिग्री एनालिसिस भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 2 मार्क्स में और 4 मार्क्स में बार क्वेश्चन आया हुआ है. पेडिग्री एनालिसिस में भी हमें जर्नल रूल्स पढ़ने हैं पेडिग्री एनालिसिस के. और पेडिग्री एनालिसिस में मेन चीज है कि प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की, तो इससे हम इजिली 2 मार्क्स का और 4 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं. देन नेक्स्ट
टॉपिक इज हेरिटेबिलिटी. हेरिटेबिलिटी भी एक बहुत छोटा सा स्मॉल टॉपिक है, थ्योरेटिकल टॉपिक भी है ये, और इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं. इसमें कई बार 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आया हुआ है और कई बार 4 मार्क्स में भी क्वेश्चन आया हुआ है. 4 मार्क्स में रियली क्वेश्चन आता है इससे, बट 2 मार्क्स के लिए टॉपिक काफी सही है और बहुत स्मॉल टॉपिक है, 1 आवर टॉपिक है. देन नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज क्रोमोसोमल एब्रीविएशन. क्रोमोसोमल एब्रीविएशन से भी 2 मार्क्स में एंड 4 मार्क्स में दोनों के क्वेश्चन आते हैं. क्रोमोसोमल एब्रीविएशन नंबर में, क्रोमोसोमल एब्रीविएशन स्ट्रक्चर में, एब्रीविएशन नंबर में हमारा यूप्लॉइड्स एंड यूप्लॉइड्स, उनके सिंड्रोम्स, ये सब करके जाना होगा. एंड स्ट्रक्चर में इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन, डुप्लीकेशन, डिलीशन एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन. इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन में एवरी टाइम क्वेश्चन आता है कि क्रॉसिंग ओवर कैसे हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ देन सेपरेशन हुआ, देन सेपरेशन के बाद जो प्रोडक्ट्स आए उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन एवरी टाइम आता है 4 मार्क्स में. देन नेक्स्ट टॉपिक इज रिकॉम्बिनेशन. रिकॉम्बिनेशन हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी कवर होता है, उसको आप वहां भी कवर कर सकते हो यूनिट 3rd में, उसको आप यहाँ भी कवर कर सकते हो. रिकॉम्बिनेशन से भी मोस्टली एवरी टाइम क्वेश्चन आता है. टाइप ऑफ रिकॉम्बिनेशन, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन. होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में भी हॉलिडे मॉडल, डबल स्ट्रैंड ब्रेक मॉडल, मिसलसन रेडिसन मॉडल, इन मॉडल्स के स्टेप्स क्या है, इनमें कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व है, इन सबसे क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स में. साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन में एवरी टाइम क्वेश्चन क्री लॉक्स रिकॉम्बिनेशन सिस्टम से आता है. क्री लॉक्स पी सिस्टम में इन्वर्जन होगा तो क्या अरेंजमेंट होगा, ट्रांसलोकेशन होगा देन क्या अरेंजमेंट होगा, डिलीशन होगा तो क्या अरेंजमेंट होगा. देन नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज डीएनए रिपेयर. डीएनए रिपेयर से भी एवरी टाइम 2 मार्क्स का और 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. डीएनए रिपेयर में डायरेक्ट डीएनए रिपेयर, एक्सीशन डीएनए रिपेयर, मिसमैच रिपेयर, रिकॉम्बिनेशन रिपेयर, डबल स्ट्रैंड डीएनए रिपेयर, एसओएस रिस्पॉन्स, इन सबके स्टेप्स, कौन कौन से एंजाइम इन स्टेप्स में इन्वॉल्व है, ये सब बहुत ज्यादा आते हैं. तो ये हमारा जेनेटिक्स का पार्ट था. जेनेटिक्स में हमारा एवरी टाइम क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन में से आता है, बट वो इतने ईजी न्यूमेरिकल्स होते हैं कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स में से इफ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर दिए जाएंगे तो वह बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे. और ये जो मैंने टॉपिक्स बताए ये फुल जेनेटिक्स में इतना करना इनफ रहेगा, इवन मोर देन इनफ रहेगा. मैं रिकमेंड यही करूंगी कि आप जेनेटिक्स फुल करके जाएं, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करके जाएं. एंड बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू.